ललित अग्रवाल जी, पुनीता अग्रवाल जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे सदगुरुदेव भगवान, हम दोनों पति पत्नी भजन मार्ग में हैं और 6 महीने से आपका सत्संग सुन रहे हैं। प्रभु, शरीर से एक संतान पुत्री रूप में प्राप्त है। महाराज जी, कई बार लोग कहते हैं कि पुत्र का होना आवश्यक है, उसके बिना परम गति नहीं हो सकती। लेकिन हमें पुत्र का होना नहीं, संतान का होना, गृहस्थी में संतान को होना आवश्यक है। क्योंकि मान लो अगर वो पुत्री ना होती किसी की, तो तुम्हारी पत्नी कैसे बनती? आके तुमने किसी की पुत्री का पाणी ग्रहण किया तो तुम्हारी पुत्री हुई, किसी को पाणी ग्रहण कर दो। अब भगवान वो पुत्र रूप भेजते हैं या पुत्री रूप भेजते हैं? संतान भेजते हैं, ठीक। और जब संतान नहीं भेजते हैं तो हम जगत के बाप को संतान बना लेते हैं। बैठा लो गोपाल जी को, आओ तुम, वही प्रश्न है। हाँ, जगत के गोपाल जी, जगत के मालिक है ना, गोपाल जी को बैठा लाओ। क्योंकि कहते हो तुम जिस भाव से भजोगे मैं आ जाऊंगा, तो आओ तुम्हें। जब पुत्र नहीं दिया, संतान नहीं दी और हम गृहस्थी में है, तो हम तुम्हें पुत्र मानते हैं आज से और दुलार करते हैं। तो ये यथाम प्रपद्यंते तास्तथैव भजाम्य हम, भगवान के वचन है कि जो मुझे जैसे बसता मैं उसको वैसे ही प्यार देता हूँ। तो जगत के पिता है यद्यपि, जब उन्हें पुत्र भाव से देखोगे तो वो बात बन गई। अब वो तुम्हारा भार संभाल लेंगे, पुत्र क्या संभाल पाएगा, जगत पिता संभाल लेंगे। महर्षि कहते हैं कि अपराध बहुत होता है कि हम इतने आदम है और उनको अपना पुत्र मानेंगे। ये भाव में नहीं होता। जब हमारे भाव में आ गया कि हमारे पुत्र है तो अपराध बहुत थोड़ी, जब सखा भाव हो जाता है थोड़ी तक अपराध हो गया। और अगर वो नहीं करते तो दबका देते सखाजन, जाकर नहीं हाथ से तुझे खेल से निकालते हैं हम। तेरे पास 2-4 लाख गऊँ ज्यादा होंगी ना, तू बाबा का लाडला है, कल से खेल में कन्हैया नहीं आएगा। तो जानते हो क्या करते हैं? कान पकड़ते हैं, अब गलती नहीं होगी, अब गलती ले। भाव का भगवान पोषण करते। ग्वारिया बाबा सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को अपना यार माना, मित्र माना। अब बहुत समय हो गया, साक्षात्कार हुआ नहीं, भाव में रहते थे, बड़े महामहिम थे। अब जब कोई उनको माला ले दिखा दे, बंद करो, वो बड़ा निष्ठुर है, अपने पता नहीं क्या समझता है। इतना जब करो, इतना करो, सामने नहीं आता, हमें नहीं भजन कर, मत करो भजन, धोखा है, मत करो, वो सुनता नहीं है। और निर्णय कर लिया, नहीं करेंगे भजन, नहीं। अब देखो भजन का स्वरूप क्या उनके जागृत है, तू अपने को समझता है ना, नहीं करेंगे तेरा भजन, ये भजन नहीं हो रहा। और क्या हो रहा है? बार बार भगवान से बातचीत, भगवान का चिंतन, नहीं बोलेंगे। किसी को भी भजन करते तो सब जानते थे कि बाबा भाव में रहते, इसलिए कोई, अरे काहे को भजन करते हो, वो बड़ा निष्ठुर है, सुनते थे, बड़ा करुणामय, बड़ा निष्ठुर। शाम की इसी रमण रीति में, ये जो मोड़ में, इसे रमण रीति, वृंदावन रमण रीति कहते, रज थी ये तो। अब तो दुर्भाग्य प्रकट हुआ, रोड रोड बन गया, बड़ा मनोहर स्थान, बीच मार्ग में बड़ा एक वृक्ष था, रज में ऐसे लोटो, एकदम आनंद मिलता, पूरी परिक्रमा मार्ग रजमय। बाबा वहीं शाम के निकल, पीछे आवाज, ए ग्वारिया, आवाज में अमृत था। मुड़ के देखा, ऐसे सांवरे सलोने सरकार, नवकिशोर अवस्था, भाप पड़े, ये तो मेरा यार है यार। दौड़ पड़े जाके गले लगा, फिर ध्यान आया कि हमने तो नियम लिया था इससे बात नहीं करेंगे, फिर हटे। अब प्रभु अचला पहन पकड़े ऐसे, ए बाबा सुन तो, सुन तो, तू नाराज काहे को है? बोले इतना दिन हो गया और आप मिले नहीं, और उनके सामने भेकड़ी थोड़ी चलती है, तो आंसू चल रहे इतना। तो उनका देखो, ऐसा कभी तुमने दर्शन की आकांक्षा भी नहीं की, आज तुमने आकांक्षा की, मैं मिल। अब तुम जब कहोगे, देखो नाराज मत, उनको फिक्र है तुम्हारे नाराजगी की। अगर हम उनको सखा मानते तो फिर सखा माने भगवान का वैभव ना देखे, नहीं तो सखा निवारण पाओगे? उनका वैभव ऐसा अनंत है कि फिर सखा तुम सोच पाओगे? अगर पुत्र मानना तो केवल पुत्र ही भाव रखते हुए कि मेरा, और अगर उनके भगवान के भाव में जाओगे तो पुत्र क्या, मच्छर भी नहीं है उनके सामने, हम क्या है? अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, एक रोम कूप में करोड़ ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में इतने जीव, दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भला वो हमारे पुत्र हो सकते? ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ से होता है भाव, ये दिमाग से नहीं होता। दिमाग है तो वाराणसी वाला वेदांत पढ़ो, अगर इस मार्ग में चलना है तो यहाँ हृदय का विषय है। प्रभु कहते तुम जिस भाव से चलो, ऐसा नहीं कि ये मनमानी भाव, वात्सल्य भाव है ना, उपासना में वात्सल्य भाव है। कितने महापुरुष सिद्ध होकर के भगवान के इस भाव को प्राप्त हुए, तो हम भाव करें मेरा लाला है मेरा, बस। अपना लाला कलेक्टर हो तो उसे कलेक्टर की तरह थोड़ी बैठा रहेंगे, हमारा लाला है हम अपनी तरह, सबके लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए गोपाल जी, मेरे लिए लाला है। अभी बात बन जाएगी, समझ में आई? लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रीत सिंह जी, चंडीगढ़ से।
महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कीर्तन पहले सुनते थे पर गुरु ग्रंथ साहिब जी में नाम जप की प्रधानता होते हुए नहीं कर पा रहे थे। आपके मार्गदर्शन और प्रभु कृपा से अब नाम ध्यान और जप आनंद में हो गया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। नहीं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बात स्वीकार करके जो चल दी, तो इससे आपका परम मंगल होगा, परम मंगल निश्चित। यही मतलब गुरुवाणी जी की कृपा है और समस्त गुरुओं की कृपा है जो आपके हृदय में बात बैठ गई, क्योंकि बाहर सब, लेकिन ये अंदर की मार है। जब आप अंदर नाम का ध्यान करते हुए जब करते तो सब विषय वासनाओं को भस्म कर देता है, मन को अधीन कर लेता है, इंद्रियों को पवित्र कर देता है, तभी भगवत साक्षात्कार होता है। मतलब संसार समुद्र से तरने के लिए ये महान साधन है। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अगर नाम रूपी जहाज में बैठ गए तो संसार समुद्र पार हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत धन्यवाद जो आप बात माने। जैसे बेटा दूध पी ले ना तो माँ नहीं कहती, हाँ प्रसन्न हो जाती है कि हमारे बेटे ने दूध पूरा गिलास पी लो ना तो तुमको अमुक चीज देंगी। तो उसमें माँ को क्या सुख हो रहा है कि बच्चा और स्वस्थ हो, सुखी हो, इसलिए पूरा गिलास पी और इनाम भी पा। देखो कैसा इसमें कि आपका परम मंगल होगा जपने से, लेकिन साथ में आशीर्वाद भी होगा, साथ में कृपा भी होगी। आपने बात माना, अपना मंगल किया, इसलिए वो कृपा तुम्हारी हर समय सुरक्षा करेगी। कहाँ? अंदर की, अध्यात्म की सुरक्षा। बाहर से शरीर को जो दंड मिलना है, जो भोग मिलना है, मिलते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है, छूटेगा आज नहीं तो कल, लेकिन अंतर में हमारे भाव में कोई चोट ना पहुंचा सके, ये गुरुजनों की कृपा होती है। ये महापुरुष जो आशीर्वाद देते हैं वो अंदर कवच बन के बैठ जाता है, तुम्हारे भाव को, तुम्हारे भजन को कोई छेड़ ना पावे। बाहरी तो सहने की सामर्थ्य भगवान दे देते हैं, बाहरी पर अगर देखा जाए तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इनाम से सब सुख मिलता है, उनकी किडनी खराब है, नाम से इनको कैंसर हो गया है, ये भाई ये जाएगा आज नहीं तो कल मरेगा। जो चीज अविनाशी है वो प्राप्त करने के लिए हमें कृपा चाहिए। ये तो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा, नाम इसका मृत्यु लोक है, यहाँ जो जन्म है वो सब मरेगा, इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। तो चल रहा है प्रारब्ध के अनुसार, आप खूब नाम जप करते रहो और इसी जन्म में हमारा काम बन जाए, क्या आवागमन छूट जाए, और घोर कलयुग आगे बढ़ेगा और पापाचरण बनेगा। नाम न सुनाई देगा ना सुना सकते हो, आगे आएगा देखना, समय ऐसा आएगा कि मतलब भगवत जैसे चर्चा हो रही ना, बंदी बना लिए जाओगे, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को दंड मिलेगा, आगे देख लेना समय आएगा। धीरे धीरे ऐसा आएगा, आप भगवान के विषय में बोल नहीं सकते, समय आएगा। समय का ऐसा जैसे जैसे कलिकाल तभी तो बढ़ेगा, धर्म सुनाई नहीं काना, काल से कोई धर्मात्मा पुरुष तुम्हें धर्म की बात नहीं सुना पाएगा। अभी समय निकल चलते हैं, हाँ अभी थोड़ी अनुकूलता है, भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। फ्रैंक यूएसए से, हाउ टू फील एंड बी एट पीस विद इन योरसेल्फ, अपने अंदर शांति का अनुभव कैसे करें, स्पेशली आफ्टर एक्सपीरियंस मच हर्ट एंड स्टिल हर्टिंग फ्रॉम इट, मतलब जबकि अंदर बहुत दुख हो। हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, भैया तो हिंदी तो समझते हो ना, समझ जाओगे, नहीं तो अंग्रेजी वाले को बुलाएं भाई, वो अंग्रेजी से बताए, हम तो हिंदी, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है। कक्षा 9 पढ़े तो अगर हमारी बात समझो तो समझो। शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, स्वरूप ही आपका शांत है। देह ये बाहरी है, इंद्रियां ये अलग हैं, मन एक अलग वस्तु है, जो आपका स्वरूप है वो निर्विकार सच्चिदानंद में है। उसको भूल करके, शरीर को मैं मान करके, भोगों में सुख और शांति खोजने वाला कभी सुख और शांति को न प्राप्त कर पाया है, न प्राप्त कर रहा है और न प्राप्त कर पाएगा। कोई भी एक उदाहरण हमें दीजिएगा जो अपने अध्यात्म स्वरूप से विस्मृत होकर देहाभिमान में भोगों में विचर रहा है, वो चाहे देवराज इंद्र हो या चक्रवर्ती सम्राट हो या कोई भी हो, अशांति शब्द से जिसका परिचय हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष संत समागम करके, शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त किया, क्या सत है और क्या असत है, फिर जब उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अपनी इंद्रियों से विषयों का त्याग किया, त्यागाच्छान्त्यनन्तरम, विषय भोग नहीं, विषयों का त्याग किया, जे ही विषय का त्याग किया जितेंद्रिय हुआ कि उसे वास्तविक अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब
ये दूसरा ज्ञान है, उसको अपने स्वरूप का बोध हुआ तो पराम शांति मचरेणादि गच्छति। कैसी स्थिति है? बोले ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, अखंड आनंद, न कोई शोक है, न कोई सोच है, न कोई चाह है, ये है आखिरी शांति। अब विचार की शांति, असली स्वरूप शांति का ये। अब आपका प्रश्न है कि मैं दुखद स्थिति में जब हूं तब मैं कैसे शांति प्राप्त करूं, तो वो दुखद स्थिति आई कहां से है? आप हमें इसका उत्तर दे सकते हैं महाराजी? किसी जैसे किसी ने इनको दुख पहुंचाया हो और वो बार बार दुख पहुंचाई जा रहा है, फिर उस कंडीशन में मतलब अपने आप को शांति प्रदान करना चाह रहे हैं। अब क्या बताएं, जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं तो उत्तर देने में ये लगता है पता नहीं समझ पाए कि ना समझ पाए। बाहर से हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हमारी खेती है, हम जो बोते हैं वही हमें काटना होता है। पीछे हमने जो बोया वही हमें सामने को काटने को मिल रहा है। आप सब हमारे सामने बैठे हैं, आप मित्र हैं, आप शत्रु हैं, क्या हैं आप हमारे? आप विचार करके देखिए, आप हमारे प्रभु हैं हमारी भावना में, तो आप हमारे लिए प्रभु ही भाव से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आनंद है आपके दर्शन से, और ऐसा लग रहा है क्या अपने प्रभु को दे दूं जिससे सुखी हो जाए, क्या बोल दूं जिससे सुखी हो जाए। अब हम बाहर निकले कोई गाली दे, अब हमारा क्या भाव होगा? होगा कहीं अहंकार होगा, अहंकार होगा, मेरे मालिक के स्वरूप में आकर मेरे अहंकार। विचार के द्वारा तत्काल दुख का नाश किया जा सकता है, और इस सृष्टि में कोई दुख हमें दे नहीं सकता। दुख का कारण केवल अज्ञान है, केवल अविद्या है। वो अब पता, अविद्या समझते हो? अब इसीलिए सब कुछ आ रहा कि कैसे समझाऊं, मतलब अब चूंकि हमको सांसारिक शब्दों सांसारिक भावों का कैसे, अब आपने बिल्कुल अध्यात्म अछूता छोड़ा है, तो जहाँ प्रश्न कर रहे हो वहाँ केवल अध्यात्म ही है। तो इसलिए पर विचार करो, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, तुम्हें भी दुख क्यों हो रहा है? तुम्हारी मानी हुई मान्यता ही तो है ना, तुम किसी से अपने अनुकूल चाहते हो इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। बिल्कुल सरल उतर के कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अनुकूल का मतलब समझते हैं? तो राधे राधे समझ लो। तो फिर हमको अंग्रेजी पढ़ना आता नहीं इसलिए अब तुम्हें कैसे समझावे। अब राधा राधा तुम जपो हमारी बात मान के, तुम्हें कुछ नहीं समझना पड़ेगा, सब ठीक हो जाए। क्या राधा 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 बोलो, राधा राधा, ये दवाई हम दे रहे हैं आपको, पक्की बात मान लेना। अगर राधा राधा जपोगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, आप देख लेना यहाँ कुछ होने लगेगा। जहां जलन आएगी वहां एक ऐसी बर्फ जैसी सिल्ली प्रकट हो जाएगी और तुम्हें शांति प्रदान करने लगेगी। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ सकता है यदि राधा राधा राधा, अगर आप राधा नाम को जपने लगो, फिर आप देखना, कभी मिलना, फिर हमें बताना कैसा लगता है। पर धोखेबाजी नहीं, जपना, आप इसको जप के देखो। अब कैसे हम आपको समझाएं जब उन शब्दों का ही ज्ञान नहीं आपको अध्यात्म के, तो हम कैसे उसे समझाएं? बस सबकी समझ यही है, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ वाली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रसुभान लली, या समझ में आ गई ना तो सब समझ में आ गई। ब्रह्मा की भी जो ज्ञान वृत्ति वो तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए यदि प्रभु का आश्रय लेकर राधा 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 राधा, इसी से आनंद, सब शांति मिल जाएगी। मान लेना मेरी बात, पर बातें नहीं मानते कोई। अभी अगर सेव दे कह दे खा लेना, तुम्हें शांति मिल जाएगी, बड़ी श्रद्धा से खा लेंगे। और अगर कह दे राधा राधा जब, वो परम शांति मिल जाएगी, विश्वास नहीं होगा, क्या होगा? आजकल हम भौतिक में इतना विश्वास करने लगे कि अध्यात्म का महत्व ही भूल गए हैं, और भौतिक से कभी शांति किसी को नहीं मिलती, भौतिकता में किसी को शांति नहीं मिलती। जब कभी किसी को शांति की खोज हुई है तो अध्यात्म में ही आया है, जैसे आप न जानते हुए भी आए हो अध्यात्म की इस शरण में शांति की चाह के लिए। शांति की जब खोज हुई है तो अध्यात्म में मिली है, और जब अशांति प्रकट होगी तो उसमें भौतिकता होगी, आप जांच करके देख लेना। इसलिए अगर राधा राधा रटोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी शब्द हमें एक याद है, थैंक यू, क्योंकि आपने शांति के विषय में प्रश्न किया ना, तो इसलिए अच्छा लगा। अगर हमारे नवयुवक भाई थोड़ा शांति की तरफ चलने लगे तो जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई नशा तो नहीं करते हो? हाँ बढ़िया, तभी शांति की खोज है। बस आप हिंदी के कुछ जैसे गीता वाटिका से आस्तिकता की आधारशिलाएं, सत्संग के बिखरे मोती, ऐसे कुछ छोटी छोटी ग्रंथ है, उनको ले लो, आप पढ़ना सीखो तो अध्यात्म का परिचय मिलेगा ना,
फिर आपको सत्संग करने में आनंद आने लगेगा। एक जरूर ले लेना, आस्तिकता की आधारशिलाएं, रचयिता पूज्य राधा बाबा और सत्संग के बिखरे मोती, ये भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता वाटिका, ये दो ले लेना। याद आया क्या? दो किताब लेनी। कौन सी? अब आप जाओगे वहां, कहोगे दो किताब दे दीजिए तो कहेंगे कौन सी? वही दो दे दीजिए जो हमारी, हम बता देंगे, आप लिख के इनको बता देना। सनोज कुमार जी बिहार से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु सबकी लिखी हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 8वें अध्याय में कहा है कि शुक्ल पक्ष में गया हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं जन्म लेगा। कृष्ण पक्ष वो केवल उत्तरायण दक्षिणायन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इन विधानों का वर्णन किया गया है कि जो योगी वो सबके लिए थोड़ी है कि तुम पापाचरण करो, शुक्ल पक्ष में मरो, उत्तरायण मरो तो भगवत प्राप्त हो जाओगे, सीधे नरक जाओगे। उसमें उत्तरायण और शुक्ल पक्ष कुछ नहीं करेगा, समझ रहे हो हमारी बात? वहां कहा जा रहा है कि यदि योगी जो चित्त वृत्ति को निरोध करके संसार से प्रभु में लगाता है, फिर अगर ऐसे ऐसे संयोग होते तो ब्रह्मलोक को जाता है, वो ऐसी ऐसी गति को प्राप्त होता है। अगर कोई भजनानंदी कृष्ण पक्ष में मरे, कुदिन में मरे, जिसका कोई महत्व नहीं दे तिथि के, ऐसी कुतिथि में मरे, तो जानते हो कहा जाएगा? वो सीधे भगवान के आ जाएगा। और खूब पाप करता रहा है, एकादशी को मरे और उत्तरायण में मरे और शुक्ल पक्ष में मरे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। भगवान वहां विधि का विधान का जो सद्यो मार्ग मुक्ति का है उसका क्रम वर्णन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई भी पापी आदमी उत्तरायण में मर जाएगा तो भगवत प्राप्त हो जाएगा, अभी उसकी तुमने व्याख्या समझी नहीं है। ये केवल भीष्म पितामह के लिए आया, सबके लिए थोड़ी आया है। इच्छा मृत्यु का वरदान तो केवल भीष्म जी को उनके पिता ने दिया था, जिन्होंने आजीवन के लिए अपने सुख का त्याग पिता के लिए किया कि मैं ब्याह नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा जब ब्याह नहीं आप करोगे तो सिंहासन का अधिकारी जो, फिर शायद कभी, तो बोले आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, आप शंका मत करो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, कभी ब्याह नहीं करेंगे और सिंहासन के अधीन रहेंगे। तो ये बात सुनकर उनके पिता ने, शांतनु जी ने कहा कि तुम्हें मैं ये वरदान देता हूँ, इच्छा मृत्यु जब तुम चाहोगे तब तुम्हारा शरीर पूरा होगा। भगवत भजन करने वाले के लिए हर तिथि हर समय परम धाम के लिए है। कबीर दास जी ने एक वचन में कहा था कि यदि काशी में मरने से मुक्ति होती तो जीवन भर राम राम जो रटा भगवान नाम जपा उसका महत्व तो क्या, मैं ऐसी जगह शरीर छोड़ूंगा फिर देखूं मुझे परमधाम जाते हैं कि नहीं जाते। हमारे पास नाम है, हमारे पास भजन, भजनहीन जीवन से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे जिस तिथि को शरीर छोड़े चाहे जैसी भावना में रहे। भजन भजन वारि मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल, गोस्वामी जी कह रहे, समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे कि पहले हम नाम जब करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, और ओ नमो भगवते वासुदेवाय एक मतलब सुबह करते थे, ये अपने आप से करते थे जी। सीताराम रोज लिखते हैं महाराज जी, राम राम जय सीताराम रोज कॉपी में लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी आपकी क्या आगे, आगे क्या करना है? क्या आप गुरु ग्रंथ के महाराज जी? हाँ, इन सब का फल होगा अगर हम इस उपासना में आते हैं जहाँ हम बैठे हैं, तो यहाँ फिर आज्ञा का केवल पालन किया जाता है। मन के द्वारा माने हुए जो भी उपासना थी उसका फल ये मिल गया, अब इसमें केवल गुरु आज्ञा पे चला जाता है, जो उपासना पद्धति उसके अनुसार चला जाता है। जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, सत्संग सुनते रहो, जो अच्छा लगे स्वीकार करते रहो, लेकिन गुरु बना करके फिर मनमानी आचरण ना तो सांसारिक कर सकते हो ना भागवतिक कर सकते हो, इसीलिए जल्दी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब गुरु बनाने का भाव आवे तब ये सोच लेना चाहिए कि आपके वचन के लिए हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन आपके वचन नहीं, बस बात बन जाएगी। गुरु का मतलब होता है अब जो ही कहें करें हम सोई, इसलिए चले। आपने खुद कहा अभी तक जो मन कहता रहा वो मैं करता रहा, अब जो गुरु कहेंगे अब मनमानी नहीं चलेगी, अब गुरुवाणी चलेगी, तो फिर हाँ। तो अभी तो हम तो सबको कहते हैं राधा राधा रटो, राधा वल्लभ श्री हरिवन जपो और सत्संग सुनो, और जब फिर आगे संस्कार श्री जी करवा देंगे शरणागति का, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा मंत्र उपासना पद्धति, इसी की माला करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ। रजनी जी सहारनपुर से,
महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमने अपने घर के मंदिर में अपने माता पिता जी की छवि विराजमान करी हुई है जो श्री जी के चरणों में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की छवि ठाकुर जी के साथ नहीं रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आपकी भावना की हमारे ठाकुर जी हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी का रूप कैसा आपने मान लिया, जैसा सृष्टि कैसी आप जैसी देखो वैसी, समझ रहे ना भाई। एक पत्थर के टुकड़े में क्या है, कोई रूप है, कोई आकृति है, कोई उसमें, लेकिन हमको जब कि हमारी देवी जी हैं, हमारे भगवान। गांव में देखो ना, अधिकतर जो है गांव के जो मंदिर हैं जिनमें पूजा, वो सब ऐसे ही हैं और सारी कामनाएं पूर्ण होती क्योंकि उसमें भगवत भाव हो गया। अच्छा, जयपुर से, जहाँ जयपुर जोधपुर में श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं, वहाँ आप जाइए, पत्थर की शिलाओं को काट काट करके, मतलब हमने देखा है जैसे गोपाल जी की वो बड़ी छवि है ना पीतल की, तो ऐसे ऐसे दबा के रेती से ऐसे, अब वो जिस प्रक्रिया से तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब अपने पंचामृत से स्नान करके अपने सिंहासन में विराजमान करते हैं तो हमें भाव आ जाता है ना, हमारे भाव से भगवान दिखने लगते हैं ना। तो जब हम पाषाण के विग्रह में भगवत भाव कर सकते हैं तो उस रूप में भी भगवत भाव, अगर भगवत भाव कर रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, और अगर भगवत भाव नहीं है तो पांच भौतिक शरीरों के चित्र रखने से मंगल नहीं होगा। बात समझो, हमारी बात समझना, आंतरिक ये सब नाशवान शरीर हैं, भगवान का शरीर सच्चिदानंद में है और उनका तो दर्शक है। गुरु जी, गुरु और भगवान में अंतर होता है क्या? तो गुरु और भगवान में जब अंतर नहीं होता तो प्रश्न ही नहीं बनता। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई। हम गुरु भगवान कहते ना कि हमारे गुरुदेव भगवान से भी कहा, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, जाने संत अनंत समाना। तो गुरु और भगवान कहने को केवल दो है, वो तो एक ही। अगर हम किसी पांच भौतिक शरीर में केवल यही भाव रखते हैं कि ये हमारे माता पिता ही केवल हैं तो भगवान के सिंहासन में ना रखो, कमरे में लगा लो, देखते रहो। और अगर ये है कि ये मंदिर है माता पिता का जो रूप, इसके अंदर भगवान बैठे हुए, तो वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अलग से फोटो भगवान की विराजमान करो या ना करो, हमारी बात समझना। केवल अपने माता पिता की छवि लगाई और मेरे ये भगवान है, रोज सेवा करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो, भगवान। तो असली माता पिता वही है ना। और अगर भगवान से हटकर भाव है तो फिर भगवान की विराजमान करो, उनको कमरे में विराजमान कर दो दर्शन करने के लिए कि भाई ये माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, परिवार, वो बात अलग हो गई। और अगर सिंहासन में तो चाचा ताऊ नहीं बैठे, मेरे भगवान बैठे हैं, मम्मी के रूप में, पापा के रूप में, वही थे, वही बैठे, हो गया काम। बस उनको जोड़ो, उनमें थे, उनमें है, उनमें रहेंगे। भाव करना है, भाव कर लिया तो पाषाण से भगवान प्रकट हो गए, खंभे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भूत से भगवान प्रकट हो गए, तो माता पिता के चित्र से काहे नहीं प्रकट हो जाएंगे। काऊ से कहा जहां प्रभु ना आए वहां है, प्रकट हो जाए। पर बात समझना, हमारी आंतरिक बात समझ, समझ पाए किसका प्रश्न था, आप समझ पाए? बस ठीक। मारे जी आप दिल्ली में पूर्व नेता हैं और एक एकता मिशन है उसके अध्यक्ष हैं। मारे जी जी आशीर्वाद तो अपने साथ जोड़ के रखो। इसका विमोचन राष्ट्रपति जी ने किया था। राम ये आप रख नहीं, आपके लिए आपके लिए ठीक है, ये हम संभाल कर जी। दो आंखें केवल, एक राधा जी की, एक कृष्ण जी की।
बहुत सुंदर, दो चकोर दो चंद्रमा दो वाली पंकज हमारे लिए लाए। एक सेकंड का निवेदन था महाराज जी, राधा रानी का जन्म जो है कावल में हुआ कि बरसाने में, कंफ्यूजन हमेशा प्रदेशवासियों को बहुत रहता है। नहीं नहीं, बात ये कि उस समय रावल के समीप से यमुना जी प्रवाहित होती थी, तो जब बाबा ने नियम लिया था कीर्ति माता जी ने और वृषभानु बाबा ने, उनको आभास था कि कोई दिव्यता प्रकट होने वाली है, तो पुत्र तो थे ही, उनको था कि कोई लाली, तो यमुना जी की आराधना कर रहे थे। तो जिस दिन महारानी जी का प्रादुर्भाव राधाष्टमी कहते ना, उस दिन की बात थी कि दोनों गए, तो जाते ही देखा कि एक बहुत दिव्य कांतिमय कमल है, उसमें तेज ही केवल दिखाई दे रहा है, और बाबा को आकर्षण हुआ, समीप गए तो उसको ऐसे गोद में उठा, जब उठाया तो देखा कि ये तो बाल स्वरूप में लाडली जो बस उनको लेके जो बरसाना ना वहां प्रगट हुई, वहां जो रावल है ना समीप में यमुना जी है प्रगट हुई, रावल मैंने तब महल तो प्रगट हुई वहीं, और बरसाना है जब आके गोद में तो लाडली रूप, लाडली और लाल कभी गर्भ से नहीं प्रगट हुई है, जैसे बाबा के यहाँ लालजू या देवकी जी के यहाँ प्रगट तो बाहर से प्रगट हुए, जैसे प्रभु चतुर्भुज रूप हुए कंस कारागार में, फिर जब प्रार्थना की तो लाल रूप हो गए, जैसे श्री कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रगट हुए, माता पुनि बोली सोमति डोली तजह ताते रूपा कीजे शिशु लीला, उसी समय भगवान बाल रूप हो गए। यशोदा जी लगा कुछ हुआ है पर किसी को पता नहीं चला क्या हुआ, सुबह पता चला लाला हुआ है, और दोनों लाला, एक जो निकुंज से आए हुए लालजू और एक जो वैभव स्वरूप सर्वरक्षक हरि विष्णु रूप, वो यहाँ आए, और वही यहाँ से जब बाहर गए तो चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, वही हमारे नंदनंदन अब भी यही है जुगल श्री श्यामा श्याम, समझ रहे। तो प्रगट हुई यमुना की धारा में कमल के पुष्प पे, और वही बरसाने में गए, तो प्राकट्य स्थल तो रावल माना गया ना, और प्रादुर्भाव हुआ बरसाने में, प्रादुर्भाव मतलब लाली के रूप में, तो ये बात दोनों बातें इसलिए ऐसे कहे। रोंगटे खड़े हुए हैं महाराज जी, स्वास्थ्य श्री जी की कृपा, कृपा थोड़ा सा। मैं महादेव का पुजारी 10 साल से चिंतरण महादेव है, जहाँ यशोदा मैया लाला को लेके गई थी, और मेरा बेटा भी महाशिवरात्रि को पैदा हुआ। जी 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 सब आप सब कृपा कर रहे हैं, इसीलिए हम आपके बोलने लायक हैं, नहीं तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।